वेलकम फ्रेंड्स, कॉमर्स प्लानेट और गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का, जो बेस्ड होगा एडजस्टेड कैश बुक पे। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपके जो है पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा और हम इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से डील करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना वेट किए। चलो देखते हैं, फॉर्मेट तो सबसे पहले मैं तुम लोग के लिए बना के रखा हूँ, क्योंकि हम लोग ने देखा है ये इसमें टाइम बहुत जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है जगदीप सिंह है, जगदीप सिंह है, ठीक है। कैश बुक मेंटेन कर रहा है 31 मार्च 2019 को, शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है, 12,100 इन हीज अकाउंट नंबर वन इन बैंक। मतलब ये क्या बोल रहा पता है, अकाउंट नंबर वन मतलब क्या बोल रहा पता है, शायद कुछ तो भी उसका बैंक होगा, कुछ तो भी उसका जो भी बैंक है उसमें ना उसका एक अकाउंट नंबर, एक अकाउंट वन है और शायद मे बी एक अकाउंट टू हो, मे बी अकाउंट अकाउंट थ्री हो, मतलब उस बैंक में दो तीन उसके क्या हैं, अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसकी एंट्री पास कर देते हैं, मतलब एंट्री पास नहीं पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। 12,100 ओवरड्राफ्ट बोला है। हाँ चलो सबसे पहले ना मैं तुम लोग को एक वो बता देता हूँ कंसेप्ट, कि आपको जो है फिर मक्खन जैसे जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ देखो, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो एज वी सी कि क्या हम अगर ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं तो ये जो रहता है हम क्रेडिट साइड शो करते हैं इस अमाउंट को, ठीक है। कैश बुक में ना कैश बुक हम बना रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो बैलेंस रहता है पॉजिटिव बैलेंस वो तो भैया एसेट्स से डेबिट से होगा। हाँ और अगर बैंक क्या मेंटेन कर रहा है बोले कि पासबुक है, ठीक है, तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कहाँ शो होगा, डेबिट साइड। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस डेबिट साइड, और क्रेडिट क्यों, क्रेडिट साइड क्या शो होगा, पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। क्यों, रीजन देखो, आप अपने पापा या मम्मी से पूछना जब अकाउंट में अमाउंट आते हैं तो क्या आता है, क्रेडिटेड आता है ना, क्रेडिटेड बाय 1,000 या 1 लाख एज योर इनकम, है ना, एज योर फादर इनकम और मदर इनकम, ठीक है। चलो इतना समझे ना तुम लोग को कि क्या हो रहा है बैलेंस का फंडा। चलो लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ टू डील विथ दिस क्वेश्चन, ओके। चलो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 12,100 का, ओके। ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक बना रहा है, मतलब कहाँ जाएगा, डेट क्या थी इसकी, 2019 की, ठीक है, 31 मार्च, ओके। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हाउ मच अमाउंट, 12,100, ओके लेट्स मूव। आई होप क्लियर हो गया आपको, ये चीज़ तो नॉर्मल था, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंसिस में नहीं था। चलो चेक ड्रॉन कर रहे हैं, अमाउंट टू 4,200 हैड नॉट बी प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। देखो क्या बोल रहा है, चेक ड्रॉ करे, चेक ड्रॉ करे मतलब देखो आपको मैं यहीं पर समझाता हूँ, ये कैश बुक और ये पासबुक, ठीक है। चेक ड्रॉ करेंगे, अब आप मेरे को बताओ, चेक ड्रॉ करेंगे तो कैश बुक तो हमारा कम हो जाएगा, हम चेक ड्रॉ करें पैसा निकाले हम तो हम अपने कैश बुक में क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। लेकिन क्या बोल रहा हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, मतलब क्या बोला, मतलब ये बोल रहा है कि जो पासबुक है जो बैंक है उसने शो नहीं किया, उसने शो नहीं किया। मतलब अब आप मेरे को बताओ कि ये गलती किसकी है, ये मिस्टेक तो बैंक ने की ना, हमने तो नहीं की। हम करते तो हम कैश बुक में हम सुधारते उसको, एडजस्टेड कैश बुक में जो हम सुधारेंगे, ठीक है। लेकिन गलती बैंक ने की, तो बैंक ने जो गलती की वो डायरेक्ट हम स्टेटमेंट में डालेंगे। देखो क्वेश्चन बोल सकता है कि या तो आप स्टेटमेंट बना दो बस, या तो क्वेश्चन बोलता है आप एडजस्टेड कैश बुक पहले बनाओ, वहां से जो आपकी गलती है, जो हमारी गलती होती है ना, वो हम एडजस्टेड कैश बुक में उसको करेक्ट करते हैं, देन वी मूव
स्टेटमेंट में और जाके हम स्टेटमेंट को करेक्ट करते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला ना कुछ, तो हमको सी भी स्टेटमेंट बनाना रहता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। समझे ना, ये क्वेश्चन ने क्या बोला? इसने बोला कि बैंक की गलती। तो हम ये पोस्ट कहाँ करेंगे? हम ये पोस्ट करने के लिए हमको तो बैंक में जाना पड़ेगा, मीन्स स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या बोला वो। 4,200 का क्या था? बैंक ने पेमेंट, हमने क्या किया था, हमने माइनस करा, बट बैंक में माइनस नहीं करा। अब देखो, मैं पहले ही बताया था, मैं यहाँ डेबिट क्रेडिट में ये जो ट्रिक है ना बच्चा पार्टी, आपको ना मतलब कि क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। ये जो फंडा है ना एकदम मक्खा ना। देखो देखो, यहाँ तो कुछ तो भी बैलेंस आएगा जो हम लिखेंगे ऊपर में, स्पेस छोड़ देते हैं, है ना। क्या बोला, क्या बोल रहा है? चेक इशू कर दिए, ओ सॉरी, वाइट सी, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, कितने का चेक था? अब देखो, मैं आपको बता चुका हूँ, बैंक माइनस करने के लिए क्या करता है? डेबिट करता है। और कुछ भी चीज़ हमारे अकाउंट में प्लस करते हैं तो क्यों करता है? क्रेडिट में करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप, मैं बोला ना, आप एक बार अपनी मम्मी और पापा से पूछना कि जब अमाउंट आते हैं तो उसको क्रेडिटेड क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग ने अप्रोच पढ़ा है ना, नॉमिनल अकाउंट है, नेचर है, ऑल इनकम एंड गेंस आर क्रेडिटेड इन द बैंक अप्रोच। ठीक है, लेकिन कैश बुक से अब अगर जाओगे, कैश बुक जब बनाओगे तो बैंक, अगर सॉरी, कैश बुक आप बना रहे हो तो अगर पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, देन वी विल, व्हाट वी डू डेबिट इन कैश बुक। ठीक है, चलो देखो, हमने देखा, हम लोग ने कैश बुक से तो माइनस कर दिया है, लेकिन हम लोग ने बैंक से माइनस नहीं करा। और बैंक से माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो कितना था अमाउंट? 4,200 का। ओके, चलो आगे देखें, ये हो गया ना। नेक्स्ट, चेक फॉर 3,600 एंड एंटर्ड इन कैश बुक एंड पेड इन टू द बैंक हैड नॉट बिन क्रेडिटेड बाय बैंक। देखो क्या बोला क्वेश्चन, चेक फॉर 3,600 एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब ये बोल रहा है 3,600 का आपका चेक है, वो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन पासबुक में नहीं हुआ है। पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। और ये गलती किसकी है? बैंक की। तो इसको हम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं लिखेंगे, इसको हम किस में लिखेंगे? स्टेटमेंट में। ठीक है, क्योंकि हम एडजस्टेड कैश बुक भी बना रहे हैं। अगर हम एडजस्टेड कैश बुक क्वेश्चन नहीं बोलता बनाने के लिए, तो हम क्या करते? तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट में नहीं लिखते। देखो पहले मैं ना नीचे देख लिया था कि ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए। देखो ये एडजस्टेड कैश बुक भी मांग रहा है, इसलिए मैं पहले से मेंटेन कर दिया था ये चीज़ को। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन देख लेना, देन यू विल सॉल्व योर आंसर। ठीक है, तो इसमें भी बैंक की गलती थी, बैंक की गलती थी, है ना। बैंक ने क्या किया, 3,600 को क्या किया? क्रेडिट नहीं किया, हमने कैश बुक में प्लस कर दिया। और हमने प्लस किया होगा तो डेबिट किया होगा। देखो अब यहाँ पर आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो कैश बुक है, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला था, हमने तो क्रेडिट कर दिया, हमने सॉरी, कैश बुक में हमने क्या किया? अब कैश बुक में अमाउंट बढ़ता है, कैश बुक क्या है? असेट। ठीक है, अमाउंट बढ़ा तो हमने क्या किया? डेबिट। और उसी के सेम अप्रोच में आप देखो, पासबुक बैंक के पास है, बैंक में क्रेडिट क्या हुआ? नहीं हुआ। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्रेडिट करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। ओके भैया, एकदम सही बोल रहे हो। चलो तो क्या होगी एंट्री? चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक, आप लिख सकते हो, बट स्पेस जान रहे हो ना आप लोग तो। ठीक है, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक। ठीक है, चलो तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 3,600 से इसको इंक्रीज कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव। चलो चलो चलो, आगे 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 देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है।
रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाय 1000। देखो ये क्वेश्चन ने क्या बोला, रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड मतलब जब हमें कोई पैसे देता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड वही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको रिसिप्ट देते हैं ना, फिर किसी चीज़ का। अब देखो दुकान वाले को जब हम पे करते हैं तो रिसिप्ट देते हैं हमको, हम रिसिप्ट मांगते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, क्या बोल रहा है आपका जो ना, आपका जो देखो आपका कैश बुक है, ठीक है, कैश बुक में जो डेबिट साइड है ना, उस डेबिट साइड आपने आपने 1000 कम ऐड किया है। कम अंडर कास्ट मतलब क्या होता है पता है, अंडर कास्ट मतलब कम, कम अंडर कास्ट मतलब कम काउंट हुआ है, ठीक है। तो अब आप मेरे को बता दो क्या, देखो जब बैंक में सॉरी जब कैश बुक में डेबिट साइड कम काउंट हुआ है तो हम उसको 1000 कम है तो 1000 से हम उसको इंक्रीज कर देंगे, नॉर्मल, कोई ऐसा कोई वो तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो 31 मार्च को हम क्या करेंगे, 31 मार्च टू एडजस्टमेंट, टू एडजस्टमेंट फॉर अंडर कास्ट, ठीक है। टू एडजस्टमेंट फॉर अंडर कास्ट जो अमाउंट है हमारा कितना था, अमाउंट 1000 रुपीज़। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नॉर्मल था कुछ ऐसा, ठीक है। चलो लेट्स मूव, क्या बोल रहा है, बैंक चार्जेस 50 रुपीज़ एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बी एंटर्ड इन कैश बुक। देखो इसमें फिर से क्या हुआ है, कैश बुक मतलब हमारी गलती, और यहाँ पर भी क्या था, 1000 जो था हमारी गलती था। मतलब आप सबसे पहले ये नोटिफाई कर लो कि हमारी गलती जो होगी वो तो कैश बुक में जाएगी, और जो बैंक की गलती होगी वो डायरेक्ट स्टेटमेंट में पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देख लो इस क्वेश्चन में नॉर्मली क्या बोल रहा था, इस क्वेश्चन में देखो यही बोल रहा था, इस क्वेश्चन में बैंक चार्जेस था, बैंक स्टेटमेंट में एंटर्ड हो गया लेकिन हमारे कैश बुक में नहीं हुआ। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, देखो बैंक ने क्या किया होगा, बैंक ने पासबुक में कुछ भी चीज़ अगर पासबुक में अगर कुछ भी चीज़ हमको माइनस करनी तो हम डेबिट करते हैं, हम लोग ने देखा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब पासबुक में डेबिट हो गया तो आप देखो कैशबुक में क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, कैशबुक में क्रेडिट होगा। और हम तो देखे हैं ना भाई, एसेट्स को अगर हमको डिक्रीज करना तो हम किधर डिक्रीज करते हैं, क्रेडिट साइड। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर सेम डेट रहेगी आपकी, और बाय बैंक चार्जेस, आर चार्जेस कितना अमाउंट था, 50 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, चलो लेट्स मूव, जल्दी 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 चलते रहो चलते रहो भैया, मक्खन हो गया तो क्लियर है क्लियर। चलो देखो क्या बोल रहा है, ए चेक फॉर 5200 ड्रॉन ऑन अकाउंट नंबर 1 हैड नॉट बीन चार्ज्ड बाय बैंक एनॉर्सली टू अकाउंट नंबर 2। नॉर्मल ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नॉर्मल ना, ऐसा कोई हैवी, अब बोलोगे भैया ये कौन सा स्टेटमेंट दिखा रहे हो, हम लोग को समझ ही नहीं आया। देखो यहाँ बता देता हूँ आपका, मैं बोला ना दो, एक बैंक में दो अकाउंट हो सकता है मे बी, अकाउंट नंबर 1 और अकाउंट नंबर 2। तो क्या हुआ है, इस अकाउंट से ना अकाउंट नंबर 1 में क्या करना था, चार्ज करना था, ठीक है, अकाउंट नंबर 1 में चार्ज करना था, लेकिन क्या हुआ, गलती से बैंक ने क्या कर दिया, अकाउंट नंबर 2 में चार्ज कर दिया। और क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा, आपका तो अकाउंट नंबर 1 बना रहे हो ना आप, अभी आप अकाउंट नंबर 1 बना रहे हो, ठीक है। तो जब अकाउंट नंबर 1 में हमको क्या करना था, डेबिट करना था, देखो ड्रॉन करें, ड्रॉन करें मतलब क्या बोला, चेक ड्रॉन करें मतलब हमने क्या किया होगा, हमने कैश बुक से तो क्रेडिट कर दिया होगा, चेक ड्रॉन करें कैश बुक से निकाला है तो कैश बुक में बाहर करने के लिए आउटफ्लो के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। हाँ बैंक में क्या होना था, डेबिट होना था, लेकिन डेबिट तो हुआ है लेकिन वो अकाउंट नंबर 1 में डेबिट नहीं हुआ है, वो 2 में डेबिट हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर 1 में डेबिट करना पड़ेगा। ओके ओके चलो, मीन्स ये गलती किसकी है, बैंक की गलती है ना, इसलिए हम इसको कहाँ लिख रहे हैं, देखो बैंक स्टेटमेंट में डाल रहे, ठीक है। क्या होगा
ये बताओ जरा, बैंक ने क्या किया था? गलत पोस्टिंग कर दी थी, ठीक है? तो चलो, चेक ड्रॉन ऑन अकाउंट नंबर वन, रॉन्गली एंड ऑसली, ठीक है, जो भी, रॉन्गली डेबिटेड टू अकाउंट नंबर टू, ठीक है? तो हमने तो डेबिट नहीं किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस तो करना पड़ेगा 5,200 से। चलो जल्दी, ठीक है, ये भी एंट्री हो गई क्लियर। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखो मैं बोला था ना, इजी कर दूंगा एकदम। चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डिविडेंड 300 पेड डायरेक्टली इन टू बैंक, सॉरी, पेड टू द बैंक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक बोल दिया, हमारी गलती है, देख लो ये। मतलब क्या बोल रहा है? अब डिविडेंड, डिविडेंड क्या मिलता है? हम डिविडेंड तो हमको मिलता है ना, डिविडेंड, डिविडेंड हमको मिलता है, ठीक है? पेड डायरेक्टली टू बैंक हैड नॉट बीन एंटर्ड डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ 300 पेड डायरेक्टली, पेड बोल रहा है, डायरेक्टली टू द बैंक, ठीक है? और नॉट हैज नॉट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड एंटर्ड इन कैश बुक। ओके चलो, डिविडेंड कितने का है? 300 का डिविडेंड। देखो डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट हो जाता है, ये प्रॉफिट होता है, ठीक है? अब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि आपका जो डिविडेंड है ना, वो बैंक में तो आ गया है, लेकिन बैंक में आया होगा तो बैंक ने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा पासबुक में अपने, और हमने कैश बुक में क्या किया है? डेबिट नहीं किया है, इंक्रीज नहीं किया है कैश बुक में। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 300 से कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? टू डिविडेंड, टू डिविडेंड अकाउंट कितना? 300। ठीक है, अब देखो, ए चेक फॉर 700 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर पेड इन टू बैंक। चेक था, डेटर से मिला, डेटर मतलब क्या होता है? जिससे हमको पैसा लेना है। उनने क्या किया? उनने डायरेक्ट, डेटर भैया ने क्या किया? डेटर ने डायरेक्ट बैंक में पेड कर दिया, ठीक है? और डिसऑनर डिसऑनर्ड एंड सोड एज सच बाय बैंक, बट नो एंट्री ऑफ डिसऑनर हैड बीन मेड इन कैश बुक। देखो, डेटर था, 700 उसको देना था, उनने क्या किया? डेटर भैया ने बैंक में पे कर दिया। अब उनका जो वो कहाँ गया? ये चेक था, डिसऑनर हो गया, ठीक है? चेक लगा दिया, डिसऑनर, ठीक है? अब डिसऑनर हो गया, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन में बोला, जब हमको ना, हमको पता चला डेटर ने क्या किया है, चेक दिया है, ठीक है? तो हम लोग ने कैश बुक से डेबिट करके बढ़ा दिया और पासबुक से भी क्रेडिट कर दिया, ठीक है? अब क्या हो गया? वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है पता है? मतलब चेक जो है ना, वो उस जो डेट जब डेट आया ना, तो उस चेक से पेमेंट नहीं आया आपको, पेमेंट नहीं आया। तो मतलब कि ये हुआ कि उस डेट में पेमेंट आनी थी और पेमेंट नहीं आई, तो आपने कैश बुक से तो प्लस कर दिया है और पासबुक भी आपने बढ़ा दिया, और डिसऑनर हो गया होगा। देखो, पासबुक में आपने बढ़ा दिया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। मतलब डिसऑनर हो गया इन द सेंस कि ये कि पैसे ना हमको नहीं मिले, पैसे हमको नहीं मिले, ठीक है? पैसे हमको नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, तो क्या होगा? देखो, 700 का था, डिसऑनर हो गया, हमने डिसऑनर की एंट्री बैंक में कर दी, मतलब पैसे नहीं मिले ना,
तो हमने बैंक में जो 700 से इंक्रीज करा था, क्रेडिट करा था ना, उसको हम लोग ने पासबुक में तो डेबिट कर लिया, लेकिन सेम साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, उसको हम लोग ने कैश बुक से कम नहीं किया, मतलब कैश बुक से डेबिट नहीं किया, ठीक है, पासबुक से तो हमने पासबुक से हमने क्या किया, सॉरी देखो, पासबुक से हम लोग ने क्या किया, डिसऑनर हो गया तो पासबुक से हम लोग ने डेबिट कर लिया, लेकिन हमने कैश बुक से क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट कैश बुक से क्रेडिट करना मतलब कम करना होता है ना, मैं बताया तुम लोग को पहले ही लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलो इसकी एंट्री पास कर देते हैं, तुम लोग को समझाना बच्चा पार्टी की ये क्या हो रहा है। 700 सबसे पहले बैंक में आया, और बैंक में आया तो बैंक ने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, बैंक ने ना, बैंक ने क्रेडिट किया होगा, और हम बैंक ने क्रेडिट किया, अब डिसऑनर हो गया, जब पैसा ही नहीं आया तो बैंक ने तो डेबिट कर दिया होगा, लेकिन हम कैश में तो हम उसको क्या कर रहे हैं, कैश में हम उसको डेबिट तो कर दिए थे जब पैसा आया होगा, लेकिन जब डिसऑनर हो गया मतलब पैसा नहीं आना है, अब नहीं आएगा तो उसको क्रेडिट तो करना पड़ेगा ना, समझे ना क्या हो गया, कम करने के लिए हम लोग ने क्या किया, डिसऑनर हो गया तो हम लोग ने क्रेडिट क्रेडिट कर दिया। अब देखो कैश बुक का प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है, तो हम लोग ने गलती की तो हम लोग को सही करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने तो सही कर दिया, बैंक ने तो डेबिट कर दिया, लेकिन हमने क्रेडिट नहीं किया ना, समझे ना, एकदम क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। देखो बाय डेटर अकाउंट डिसऑनर चेक, ठीक है, कितने का अमाउंट था, 700 का, ठीक है। चलो और कुछ देख लेते हैं, ऊपर क्या है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 420 ड्रॉन बाय अनदर कस्टमर ऑफ बैंक बियरिंग द सेम नेम हैड बीन चार्ज टू जगदीप सिंह बैंक अकाउंट बाय एरर। देखो 440 का ना, 440 का ए चेक ऑफ 420 ड्रॉन बाय अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक बियरिंग द सेम नेम हैड बीन चार्ज टू जगदीप सिंह बैंक अकाउंट बाय एरर। मतलब कि ये क्या बोल रहा है, 420 का ना चेक ड्रॉन हुआ, ठीक है, कस्टमर के द्वारा, लेकिन उस चीज को बैंक ने क्या किया पता है, बैंक ने दूसरे कस्टमर के द्वारा ना, मतलब बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में चार्ज कर दिया, समझे। देखो अनदर ने ड्रॉन किया, ठीक है, तो उनने क्या किया, जगदीप सिंह तो हम है ना भाई, बैंक तो हम बना रहे हैं स्टेटमेंट को, तो उनने क्या किया, उनने हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया, मतलब बैंक ने क्या कर दिया होगा, पासबुक में डेबिट कर दिया होगा, कितना अमाउंट, 420, तो हमको तो सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि तो ये बेजबरन का हमारा अमाउंट डेबिट हुआ है अपने अकाउंट में। चलो कर देना इजी, कोई था क्या क्वेश्चन में दम, नहीं था ना, देखो मैं बोला था ना, एंड आई होप ये क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया होगा पूरा। चलो यहाँ स्पेस है, ऊपर ही लिख देते हैं, क्या था चेक, तो सॉरी ये थोड़ा लिखने में लंबा जाएगा, सही कर लेते हैं, चेक ऑफ अनदर कस्टमर रॉन्गली डेबिटेड टू अकाउंट नंबर वन, जो हमारा है जगदीप सिंह का, जगदीप सिंह भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कितने का अमाउंट था जो डेबिट कर दिया, लेकिन हमको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, 420 से हम लोग ने क्रेडिट करा। अब देखो ऊपर का ना, अब देखो एडजस्टेड कैश बुक का, ये आप लोग टोटल करोगे, ठीक है, तो अमाउंट आएगा कितना, अमाउंट आएगा 12,100, और 12,150 हो गया, ठीक है, 12,150, 12,850, ठीक है, 12,850, 12,850
और यहाँ पर बैलेंस आ गया आपका 2, बैलेंस कैरीड डाउन कितना हो गया 1300, माइनस कर दो इसमें तो ये कितना हो गया 11, 11 में देती 11, 11 और ये हो गया 550, ठीक है 11550। ओके अब ये जो अमाउंट है ना, ये आपको जो अमाउंट दिख रहा है ना, ये वाली, ये अमाउंट जो है आपका, ये ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, जो कि यही प्रोसेस आप मेन है ना। तो क्या बोल देंगे हम इसको, बैलेंस। अब देखो क्रेडिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है मतलब ये देखो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट हाई है आपके कैशबुक में, और ये आपका बैलेंस कहाँ बच रहा है, डेबिट साइड बच रहा है, ठीक है। और ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में जाएगा तो ये क्रेडिट साइड शो होगा, तो ये क्या बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया ये, ठीक है। और हम लोग ने देखा है पास कैशबुक तो भाई डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है, डेबिट शो होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग इसको क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट है, देख लो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट हाई है और डेबिट साइड कम है, तो क्या हो गया, डेबिट में बैलेंस आया मतलब क्या हो गया, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में, सॉरी ओवरड्राफ्ट मीन्स ये होता है कि हम बोलते नहीं है, जैसे कि आपके पास 1000 रुपीज़ बैंक में है, लेकिन आपने ट्रांजेक्शन 2000 का कर दिया, तो 1000 एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन कर दिया, तो आप 1000 के लॉस में हो गए ना, वही चीज़ है, ठीक है। देखो तो हम क्या क्या लिख के शो करेंगे, बैलेंस एस पर कैश बुक, हम लोग ने देखा ना क्या हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस शो कहाँ होगा, क्रेडिट साइड, कितने का था, कितना आया फ्रेंड्स, इलेवन फाइव फिफ्टी है ना, 11550, ठीक है, समझे ना क्या हुआ, इसका भी टोटल लगा लो, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा ये, 11550, 3600 और 450, तो ये हो जाएगा 15 15 570, फिफ्टीन 570, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 9400, ठीक है 9400। बट ये अमाउंट को अपने को यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, ये अमाउंट को हमको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा पता है, 15 570 आएगा, और 9400 जो इधर का अमाउंट है ना, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, और वो बैलेंस का नाम क्या होगा, देखो बैलेंस एस पर पासबुक, समझे ना, एस पर पासबुक क्या हो जाएगा, हमारा जो बैलेंस आया देखो 55750 में 9400 माइनस कर दो 031, और ये कितना हो गया, 15 माइनस 9 ये हो गया 6, ठीक है, कितना आ गया 6130, ठीक है, सॉरी सॉरी ये हो जाएगा, ये 7 है ना, 7 6170, ठीक है 6170, और ये आया डेबिट में, ठीक है ये आ गया डेबिट में। अब देखो ओवरड्राफ्ट में माइनस कैसे शो कर रहा है, ओवरड्राफ्ट में माइनस कैसे शो कर रहा है, क्रेडिट साइड इधर शो कर रहा है, और
बैंक में डेबिट शो कर रहा है। बैंक का बैलेंस किधर आना चाहिए था? बैंक का बैलेंस क्रेडिट में आना चाहिए था, लेकिन डेबिट में शो कर रहा है। मतलब पासबुक भी ओवरड्राफ्ट में, पासबुक भी माइनस में, और हमने देखा कैशबुक भी हमारा क्या कर रहा था, कैशबुक में भी क्रेडिट साइड हाई था और डेबिट साइड लो था। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कैशबुक भी हमारा क्या था, ओवरड्राफ्ट में था। मतलब हम क्या चल रहे थे, माइनस में ही चल रहे थे। पासबुक का भी बैलेंस देखो माइनस में आया। ठीक है, और आप देखो एक चीज़ है, जैसे कि आपने कैशबुक से स्टार्ट किया तो आपका एंड हमेशा ऑलवेज होगा बैलेंस एज पर पासबुक। और या तो आपने पासबुक से शुरू में स्टार्ट किया ना पासबुक से स्टार्ट किया, तो आपका एंड होगा बैलेंस एज पर कैशबुक। सो यही था क्वेश्चन का आंसर बच्चा पार्टी, और आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्ड हो गया होगा आपका। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में धमाकेदार, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।